अगर सुबह 6 बजे उठ के आपका दोस्त आपको कॉल करके बोलता है कि भाई कहीं शॉर्ट राइड पे जाना है बट लोकेशन नहीं पता, तो आप क्या करोगे? वेल, कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे सामने थी, तो मैंने भी वही बोला जो मैं हमेशा बोलता हूँ, भाई तू आ जा, आने के बाद देख लेंगे। फिर क्या, भाई बाइक स्टार्ट करता है, हमारे पास आता है और हम लोग लगते हैं मुंबई पुणे हाईवे पर, ये सोच के कि रास्ते पे लगते हैं फिर कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। जब भी हम मुंबई पुणे हाईवे पे लगते हैं और भक्ति शक्ति क्रॉस करते हैं तो हाईवे का नज़ारा कुछ अलग ही रहता है। बस तो इसी सफ़र को हम लोग फील करते हुए निकल गए टूवर्ड्स पावना लेक, ये सोच के कि जाते जाते पता चल ही जाएगा, कुछ अच्छा डेस्टिनेशन दिख ही जाएगा, वो पेड़ पौधे, वो वादियाँ, वो रास्ते के कर्व्स, उन पे से बाइक को लीन करते हुए हम लोग सफर के मजे ले रहे थे। अब तक 8 बज गए थे, थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी और हम लोग ब्रेकफास्ट राइड के लिए निकले थे तो थोड़ा कुछ खाना तो बनता ही है। तो फिर हम एक गांव में रुक के चाय पोहे के मजे लिए, थोड़ी बहुत बातें करी, बाइक पे से सिनेमैटिक शॉट्स लिए। वादियों में आके क्या हो गया भाई? क्या हो क्या रहा है? बहका मैं बहका, वो बहकी हवा से आई। बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा है लौंडा अपना आज। बट क्या लग रहा है यार, नाइस, अमेजिंग। ये अभी थोड़ा सा ज्यादा सन आ गया ना, इसके वजह से लग रहा है। अब ग्लेयर्स पहन के देखो, ग्लेयर्स भी थोड़े गंदे हैं हमारे वैसे। ऐसा कुछ है। और ये हमारा भाई थोड़ा नेचुरल कॉल में नेचुरल फील दे रहे हैं। हाउ आर यू डूइंग सर? आई एम गुड। व्हाई? बिकॉज़ द नेचुरल ब्यूटी। बिकॉज़ द नेचुरल ब्यूटी। हु इज द नेचुरल ब्यूटी? दिस इज द नेचुरल ब्यूटी। ये देखो कौन मिल गया। ए तू तो है ना इधर सर। हाँ मैं आता दिस है, बग आता दिस तो। ओमकार से हाय टू माय ब्लॉग। वैसे यूट्यूब तू एक्सपेक्ट करूँ सामने ना भाई, नहीं तो मैं उधर उधर स्टोरी पढ़। हे डीजे, हाउ आर यू? एक नंबर भाई। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोगों को मंजिल मिली नहीं, हम सिर्फ रास्तों में सफ़र कर रहे हैं। हम घर से निकले ये सोच के कि पावना आएंगे कहाँ पे, तो भी मस्त पानी में पैर डाल के बैठेंगे, बट जो हुआ नहीं। हमने एक जगह पे ट्राई किया, वहाँ पे नहीं हुआ। सेकंड जगह पे ट्राई किया, वहाँ पे भी नहीं हुआ। फिर फाइनल सीन ऐसे लगा कि एक काम करते, कहीं तो भी सिर्फ जाके बैठते। बट ये सीन हुआ कि रास्ते के सफ़र में हमको हमारे दोस्त मिले, हमने बहुत सारी चीज़ें फील की, हमने ये नेचर, ये वादियों का फील लिया, बट मंजिल हमको नहीं मिली। दैट इज़ द ओनली थिंग। बट मंजिल की अगर तलाश में जाए तो रास्ते बुरे मान जाएंगे, ये सोच के हम अभी इस व्यू के आगे रुके हुए हैं। ऐसे पानी सामने दिख रहा है, वहाँ पे जाके हम बैठ सकते हैं, बट अगेन सीन ये है कि धूप इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर हम वहाँ पे बैठेंगे तो हार्डली 15 मिनट बैठ पाएंगे, उसके बाद तो फट जाएगी, फट के चार हो जाएगी। तो उससे अच्छा हम लोग वहाँ पे ना बैठना ही प्रेफर करेंगे, कहाँ पे तो भी आराम से जाके बैठते। जस्ट पीस चाहिए, थोड़ा ये फील लेना है, इसलिए यहाँ पे रुके थे।
और जो व्यू दिख रहा था इट इज रियली अमेजिंग। तो ऐसी एक मोड़ आया उस पर हम रुक गए, मोड़ आया पर गड्डी नहीं छोड़ी, मोड़ आया पर गड्डी नहीं। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग आए थे मुंबई पुणे हाईवे से अपना सीधा जहाँ जैसे हम पावना पे आते हैं वहाँ से, तो अभी हम जा रहे हैं लोहगढ़ के साइड से, मतलब अपोजिट वाले रोड से, एक पूरा चक्कर ही हो गया। हाँ पूरा वो ऐसे गोल राउंड हो गया। तो ये हमारा जो रूट है ये लोहगढ़ वाला, यहाँ से अभी अपन जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा धूप बढ़ रही है, ड्रेन हो रहा है, 10 बज चुके हैं अभी तक बट धूप पीक पे है। ऐसे कुछ सीन है, अभी निकलते हैं यहाँ से, जहाँ पे भी ऐसे आराम से सुकून से बैठेंगे आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे बैक ऑफ द माइंड एक प्लान था कि हमको ये राइड कैसे करना है, हमको क्या चाहिए। वेल वो सब तो हुआ नहीं, बट हम रास्ते के मज़े ले रहे थे। ऐसे ही रास्ते पे चलते चलते हमको एक ऐसा रूट मिला जहाँ पे दोनों साइड पे पहाड़ है और बीच में से एक रास्ता है, और वो रास्ता इतना प्यारा लग रहा था। हम लोग वहीं पे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तो रुके ही होंगे। हम यहाँ पे गाड़ी के सिनेमैटिक्स ले रहे हैं और भाई अपने सब बस्ता पकड़ के बैठा है, दो हेलमेट एक बैग और मस्त क्या एक मैं और एक हालांकि भाई की जिंदगी में कोई नहीं है किससे मिला क्या मिला ये है ना किस लिए लिए तो क्या करेगा उसके साथ, गाड़ी चलाएगा ना, चलाने में एक फील है भाई। अच्छा जो ये वही बोल सकते हैं जो मेरे जिनको कभी मिल जाती है शक्ल देखो बंदी हाउस द जोश मेरे भाई लो सर ये ऐसे ये लोग हैं जो सिंगल है जो गाड़ी के फोटो खींच रहे हैं, और यहाँ पे देखोगे तो आपको एक कपल दिखेगा जो एक दूसरे के फोटोज खींच रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस, आई डोंट केयर। इसलिए हम सिंगल है क्योंकि हमको गाड़ी के फोटोज खींच रहे हैं, ये हमने कवर अप किया है। थोड़े शांति में बैठ के जस्ट वो नेचर को फील कर रहे थे, थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स लिए, मजा मस्ती करे। अभी टाइम हो गया था ऑलमोस्ट 1 o'clock, ब्रेकफास्ट राइड यूजुअली 11 o'clock तक चली जाती है बट मेरा हमेशा एक्सटेंड होता है, और गर्मी है धूप भी बढ़ने लगी थी, तो इसलिए हमने सोचा कि ये लोकेशन से निकल के कहीं और जाते हैं। तो हम लोग लोनावला के रूट से घर पे जाने का सफ़र तय करते हैं। अभी लोनावला के रूट से जाना है, थोड़ी देर रुकना भी है, बट लोनावला के पॉइंट्स पे नहीं जाना था क्योंकि पॉइंट्स पे हम लोग बहुत बार गए। तो हमने सोचा कि पहले लोनावला में पहुँचते हैं, उधर जाके देखते हैं कि कहीं बैठने के लिए कहीं रुकने के लिए जगह मिलता है क्या, और फिर हम टूवर्ड्स खोपोली निकल गए। रास्ते में जाते हुए कुछ सुपर बाइक दिखे, उनकी रॉ आवाज तो आप सुन ही रहे हो। राइट सो सीन कुछ ऐसे, हम लोग को जाना था पावना लेक, राइट पावना लेक के लिए निकले थे घर से। पहले तो घर से निकले थे गोराडेश्वर जाने के लिए, भाई बोला पावना लेक जाना है तो हम पावना लेक तक गए, बट पानी में पैर डालना हुआ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया मंजिल मिली नहीं। बट क्या हो कि हमने थोड़ा चेंज करके मंजिल पर पहुँचे, राइट सो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं यहाँ पर, राइट
नाइस। सो ये खंडाला का लेक है, खंडाला के लेक पे हम लोग बैठे हुए हैं, पानी में मस्त पैर डाल दिए हमने और थोड़ा चिल कर रहे हैं। बस डर इस चीज़ का है कि इसमें कुछ है तो नहीं, मगरमच्छ ना आ जाए, इसमें मगरमच्छ शार्क तो बोल सकते कि नहीं होगा। हाँ। मगरमच्छ का हो, वेल, ये सब हमने सोच लिया कि इसमें वेल रहेगी क्या, शार्क रहेगी क्या, मगरमच्छ रहेगी क्या, सांप रहेगी। वेल बहुत बड़ी होती है, उसमें इतने में नहीं रहेगी, वो ऊपरी ऊपरी दिखेगी। सोचा है तो सब कुछ सोच लेते हैं ना भाई। सो ये सब चीज़ें हो गई। एनाकोंडा भी डाल दे। एनाकोंडा, ओ माय गॉड, टाइटन, वो अच्छा का मेरे को नहीं रखने का, पहले मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है। डर गया है कि ना रे, हाथ मेरे का है, राइस नहीं ना, माशा तू ही तो रातों का बाड़ा मन रहा तू केलपेट केलपेट रोज है तो का पोहेला नहीं शनिवार ले ये सांप है का रे चल साफ वगैरह आए तेने पाय वर्क पाय का वर्क कर गवरला डाल तो मारे पाय उन गेला सा ओए चावला ना है ना धामा ना चलला बस की अरे बस बस काय ना बस भाई आम्ही बस की इकडे साफ नाही इकडे आहे का आहे चला चला तिकडे जाऊ बारे वाटला चला आपण जाऊ तिकडे कुठे मित्र तिथे ऊन आहे रे पण जाऊ दे इथेच बसून येऊ भाई को हमने ट्रॉमा दे दिया बेचारा चुपचाप पैर डाल के बैठा था, हमने उसको याद दिला दी कुछ शर्म कर, छोटे बच्चों को डरा रहा है। मैं नहीं डरा, तू बोला साले काटा नहीं होगा, मेरी क्यूरियोसिटी थी उसके साथ, वो एक्चुअली हो चुका है, दिस इज रियल लाइफ। बट ठीक है चलो यार यहीं पे बैठ लेते थोड़े शांति में। बट व्यू इज दिस, वहाँ पे मस्त ऐसा डोंगर है, यहाँ पे पानी है। What is डोंगर? डोंगर is that mountain. कहीं झाड़ी, कहीं डोंगर, एकदम ओके। और गाड़ी भाई की इधर है, भाई इधर है, बोझ उठा रही है, मैं इधर है, पानी इधर है, सांप किधर है, चुप बैठ ना। और सब इधर है तो सांप किधर है? सांप रहेंगे। और जो हमारा मोटो था कि कहीं सिर्फ शांति से जाके बैठना है वादियों को बस देखते हुए, वो यहाँ पे आके पूरा हो गया। हम लोग आराम से बैठ के वादियों को निहार रहे थे, तब हल्की हल्की भूख भी लगने लगी और टाइम भी 2:30 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि अभी यहाँ से निकलते। ऐसे कुछ था हमारा ये अनप्लान्ड राइड। अगर आपके साथ भी ऐसी सेम सिचुएशन रहेगी तो आप कौन सा लोकेशन पिक करोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वेल, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ यू गाइज डिड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, राइड सेफ, स्टे सेफ, चाओ।